हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में। दोस्तों, टैक्स डिडक्शन सोर्स एक सिस्टम है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कोई कंपनी या पर्सन जो कोई स्पेसिफाइड पेमेंट जैसे सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट एटसेट्रा किसी को पे करता है, तो वो रिसीवर को फुल पेमेंट करने से पहले एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल होता है। जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, TDS का कंसेप्ट है टैक्स को उसके सोर्स पर डिडक्ट करना। चलिए TDS को एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि नेचर ऑफ पेमेंट है प्रोफेशनल फीस, जिसपे स्पेसिफाइड रेट है 10%। तो अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी को 50,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है फॉर प्रोफेशनल सर्विस, तो मिस्टर ए को 10% यानी 5,000 रुपये टैक्स काट के नेट पेमेंट 45,000 रुपये मिस्टर बी को करनी होगी, और ये 5,000 रुपीज़ मिस्टर ए TDS के रूप में गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट करेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट इस TDS को एक टूल की तरह यूज़ करती है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ताकि लोग टैक्स की चोरी ना कर सकें। इसलिए बजाय इनकम पे बाद में टैक्स लगाने के, वो जब इनकम जनरेट हो रही है उसी वक्त डिडक्ट करवा लेते हैं। TDS हर तरह की इनकम या पर्सन पे लागू नहीं होता है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेमेंट्स एंड डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिसिपेंट के अलग TDS रेट जारी किए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा Elearnmarkets के बारे में। Elearnmarkets.com एक ऑनलाइन फाइनेंस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तरह तरह के कोर्सेज कई सारे लैंग्वेजेस में मिलते हैं। इस वेबसाइट पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स भी मिलती हैं। और दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक कोर्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए Elearnmarkets फ्री में दे रहे हैं। बस आपको इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करके इस कोर्स को एनरोल करते वक्त बेसिक 100 कोड को अप्लाई कर देना है, जिसपे आपको 100% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आप इस कोर्स को फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को फ्री में कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो पर्सन या कंपनी पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट करने और उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे डिडक्टर कहा जाता है, और जो पर्सन जिसको टैक्स डिडक्शन के बाद पेमेंट रिसीव होती है उसे डिडक्टी कहा जाता है। उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म 26AS के जरिए जितना भी TDS उसकी पेमेंट पे काटा गया है वो चेक कर सकता है। तो TDS काम करता है, सबसे पहले कोई कंपनी या पर्सन पेमेंट करते वक्त TDS डिडक्ट करता है और बाकी की पेमेंट रिसिपेंट को दे देता है। रिसिपेंट को डिडक्टर से एक TDS सर्टिफिकेट भी मिलता है एज प्रूफ ऑफ TDS चार्ज्ड। डिडक्टर को TDS अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, और डिपॉजिट होने के बाद वो अमाउंट हर एक इंडिविजुअल डिडक्टी के फॉर्म 26AS में शो हो जाती है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फिलिंग वेबसाइट पर लिंक्ड होती है। उसके बाद डिडक्टी TDS अमाउंट जो उसने पे किया है उसको उस सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए रिफंड भी ले सकता है। अब ऐसा किस केस में होगा? जब उस इंडिविजुअल की टोटल टैक्स लाइबिलिटी उसके टैक्स डिडक्शन से कम होगी, उस केस में वो TDS का रिफंड भी क्लेम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपकी टोटल इनकम इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं आती है, लेकिन आपके बैंक ने आपके फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्ट किया है, तो इस केस में आप दो तरीके से इस टैक्स का रिफंड ले सकते हो। पहला, आप अपने IT रिटर्न फॉर्म को भरते वक्त इसको क्लेम कर सकते हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली रिफंड को कैलकुलेट करके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। दूसरा तरीका है फॉर्म 15G। इस फॉर्म को आप फिल करके अपने बैंक में सबमिट कर सकते हो और उनको ये कह सकते हो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट से कम है, तो इसलिए उस पर कोई TDS ना लगाया जाए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स में TDS तभी डिडक्ट किया जाता है जब पेमेंट की वैल्यू उसकी स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा होती है। अगर पेमेंट की वैल्यू उससे कम है तो TDS डिडक्ट नहीं किया जाता। ये डिफरेंट थ्रेशोल्ड लेवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिफरेंट पेमेंट्स जैसे सैलरीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा के लिए स्पेसिफाई किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सिंगल बैंक में FD से मिला हुआ इंटरेस्ट एक साल में 10,000 रुपये से कम है तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। इसके बाद एक टर्म होती है TAN, मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये एक 10-डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, डिडक्टर को लेना पड़ता है जो TDS डिडक्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 203A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये मैंडेटरी है कि सारे TDS रिटर्न्स पे TAN यानी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है। TAN के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, जिसके लिए फॉर्म 49B को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कमेंट्स में आप मुझे इस तरह के और भी नॉलेजेबल टॉपिक सजेस्ट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।